हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी रजनीश करण पर। अभी इस चैनल पे हम ले रहे हैं एक टॉपिक पे क्लासेस। वो टॉपिक है द पावर ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग की शक्ति, या यूं कहें कि आपके दिमाग की अनोखी शक्ति। इसका एक वीडियो हमने कल रिलीज किया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं हम कॉन्शियस माइंड या चेतन मन, और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल है, जो रैशनल है, जो एनालिटिकल है, वो हमारे दिमाग की कैपेसिटी का सिर्फ 10% ही होता है, जबकि जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो टोटली इरेशनल है, टोटली इनलॉजिकल है, इमेजिनरी है, उसका ही जो हिस्सा होता है वो होता है 90%। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि हमारे जीवन के लगभग 90% डिसीजन सब कॉन्शियस माइंड द्वारा लिए जाते हैं। तो जिनने भी हमारा वो पुराना वीडियो नहीं देखा हो, वो उस वीडियो को जरूर देखें। उसके आगे की सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप जरूर देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, उस तरीके से सोचने की कोशिश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जैसे ही आप अपने सोचने का नजरिया बदलेंगे, आप अपने विचारों में पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, वैसे ही आपका जीवन बदल जाएगा, सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी, खुशियां अपने आप आने लगेंगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और हां, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए आज देखते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज को फीड कर दें, हम अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज को, किसी भी प्लान को, किसी भी संकल्प को अगर हम फीड कर दें, तो उसको रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। कि व्हाट एवर वी प्लांट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड वी नॉरिश एंड वी फ्लॉरिश, देन This will become a reality. It is 100% fact that it will become a reality one day. तो ये जो law of attraction है, ये इस पे ही ये possible है। तो पहले हम जानते हैं कि ये law of attraction क्या होता है। तो जो law of attraction है, जिसकी definition जो है वो है कि what you think starts vibration that influences how you feel, impacts what you attract and creates your reality. So choose the thoughts wisely. हम जो भी सोचते हैं वो हमारे दिमाग में एक तरीके का वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और वो जो वाइब्रेशन है वो आपको वैसा महसूस करने पे, वैसा फील करने पे आपको मजबूर करता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो आप फील करते हैं, वो फीलिंग की वजह से चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दोस्तों, ये जो मेडिकल साइंस है वो हमारा कहता है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं या जो हमारा दिमाग है उसमें से वाइब्रेशन रिलीज होता है। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये दो लॉ को मिला के बना है। एक कहलाता है हमारा लॉ ऑफ वाइब्रेशन और दूसरा कहलाता है हमारा लॉ ऑफ एक्शन। तो पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है। तो दोस्तों, जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जो भी हम सोचते हैं या जो भी हमारी पर्सनालिटी है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं जिनने की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। या कभी कभी उनके दिमाग में ऐसा आता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी तो काम करता है और कभी तो काम नहीं करता। अगर दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो हमेशा ही करता है, और नहीं करता है तो बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर कुछ चीजों में आपको ऐसा महसूस होता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और कुछ चीजों में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, इसका मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल है। वो लूप होल क्या है, आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो पहले ये बता दूं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये बिल्कुल नया नहीं है। इसको ऑन पेपर जो है वो 1906 में लाया गया, लेकिन दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है बेसिकली 563 BC, मतलब 563 ईस्वी पूर्व, गौतम बुद्ध ने ये बता दिया था कि
व्हाट वी आर इज व्हाट वी थिंक, हम वही होते हैं जैसा हम सोचते हैं। बेसिकली यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हम जैसा सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। तो हमको वैसा अच्छे ख्याल लाएंगे, अच्छे विचार लाएंगे तो वो चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लेकिन वो कैसे, तो पहले हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारे दिमाग से तरंगे उत्पन्न होती हैं, वेव जनरेट होती हैं, जिसका एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे ही प्रकृति भी हर चीजों की एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। जब आपके सोच की फ्रीक्वेंसी या आपके इच्छाओं की फ्रीक्वेंसी, जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जब उस प्रकृति के उस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तभी वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। मतलब लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सवाल यह है कि हमारे शरीर से जो या हमारे दिमाग से जो वाइब्रेशन निकलता है, उस वाइब्रेशन को उस प्रकृति के उस वाइब्रेशन के साथ, यूनिवर्स के साथ कैसे उसको मैच किया जाए, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, जिनने भी वो मूवी को नहीं देखा है वो जरूर देखें, वो है द सीक्रेट, मतलब जिसका मतलब है रहस्य। तो ये हिंदी में भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये इसकी किताब भी है द सीक्रेट। तो जिनने भी इसको ना देखा हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से उसमें समझा जा सकता है कि ये एक तरीके का रहस्य है, जिस रहस्य को हमने जिस दिन समझ लिया कि कौन सी चीजें हमारी तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगी, तो हमको इसका फर्क समझ में आने लगेगा, अपने जीवन में फर्क समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है वो है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उससे हमारे दिमाग से एक तरीके का वाइब्रेशन, एक तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। वो फ्रीक्वेंसी अगर जैसे हमें बहुत अमीर बनना है, तो अमीर बनने वाली जो सोच है, जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी से जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो डेफिनेटली हम अमीर बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमको सोचना चाहिए कि हमको अपने शरीर की फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ानी है ताकि हम उसके साथ मैच कर सकें, तो उसका एक बहुत ही तरीका क्या है कि हम जब किसी भी सोच पे जितना ज्यादा यकीन करते हैं, ये इसको किसको विश्वास कहते हैं, जितना ज्यादा हम विश्वास करते हैं उस चीज की फ्रीक्वेंसी जो है उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। हमने किसी भी चीज को जितना यकीन से उस चीज को अपनाया, जितना विश्वास किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और अगर इसी यकीन में, इसी विश्वास में अगर शक की कोई भी चीज, शक की कोई भी गुंजाइश हो, या आपके दिमाग में दूसरा कहीं से भी ये ख्याल होता है कहीं ऐसा नहीं हुआ तो जैसे ये नहीं हुआ तो वाला जैसे ही ख्याल आपके दिमाग में आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिलीज होने लगती है। ये कैसी भी निगेटिविटी जैसे ही आपके दिमाग में प्रवेश करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को वो डाउन कर देती है। ये इतने हाई इमोशन होते हैं कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी को कम करने लगते हैं और वो प्रकृति के उस पर्टिकुलर जो आपकी ख्वाहिश है उसकी फ्रीक्वेंसी से इसको मैच नहीं होने देता। तो कैसे हम अपने शरीर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, अपने सोच की फ्रीक्वेंसी को, कि हम जैसे अपने यकीन को जितना ज्यादा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को फीड करने लगते हैं। इस सीरीज में आगे मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम इसको कैसे किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग लिख के करते हैं, कुछ लोग सोच के करते हैं। लिखने के क्या फायदे हैं, सोचने के क्या फायदे हैं, इस पे बहुत सारी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां से आया कि यकीन की शक्ति जो है इसको समझते हैं। इसको मेडिकल साइंस की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। वैसे प्लेसिबो इफेक्ट का जो है वो नया नहीं है, ये 5वीं सदी में ही ये वर्ड आया था। बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल 18वीं सदी से शुरू हुआ। 18वीं सदी से जब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो मेडिकल साइंस में क्या देखा गया कि ये प्लेसिबो इफेक्ट बहुत सारे केसेज में बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब ये प्लेसिबो इफेक्ट आखिर क्या है, तो प्लेसिबो इफेक्ट को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी कोई आपने ऐसा देखा है कि आपको छोटी मोटी कोई बीमारी हो, आप किसी डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर ने आपका सारे टेस्ट करा दिया, उसके बाद उनने सिंपल सी कोई गोली दे दी कि अच्छा जी चलो ये खा लो, और आप आते हैं और उसको गोली को खाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर मुझे हुआ क्या था, डॉक्टर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मैंने आपको कोई ऐसी गोली नहीं दी थी, मैंने तो आपको बस विटामिन की गोली दी थी या ऐसा कुछ मल्टीविटामिन था या कुछ आपकी ताकत बढ़ाने की एंजाइम की गोली दी थी, बाकी मैंने आपके
इलाज नहीं किया था, तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है। एक मन होता है कि हम डॉक्टर पे गुस्सा करें कि इनने हमारे इसका इलाज ठीक से नहीं किया, लेकिन चूंकि आप ठीक हो चुके होते हैं तो आप उनको शुक्रिया बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, तो मेडिकल साइंस में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उनमें क्या है कि इस पे एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है, उस पे एक रिसर्च किया गया, कि कुछ लोग जो छोटी मोटी बीमारी लेके उनके पास आए थे, तो उसपे वहां के प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसपे एक इलाज किया, इलाज का तरीका अपनाया कि वो कैसे बीमारी लेके आए, तो उसमें से उनको वो सिंपल टॉफी देना शुरू कर दिया गोली के फॉर्म में और उनको दे दिया उनके हाथ में कि आप खाएं ठीक हो जाएं। कुछ लोग अपच का शिकार होते, कुछ लोग सिर दर्द के इलाज से कराने आए थे, या कुछ लोग पेट दर्द की बीमारी बताने के लिए आए थे, तो उनको सबको उनने ये गोलियां दे दी। लेकिन गोलियां देते वक्त उनने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जिसमें देखा कि कुछ लोगों को तो उनने ये बता दिया कि ये जो आपको गोली दे रहे हैं ये आपके दिमाग का इलाज नहीं है, बल्कि ये सिंपल टॉफी है, सिंपल चॉकलेट है, इसमें चीनी की गोलियां, आप समझ लें ये चीनी की गोलियां हैं, इसको आप खाएंगे तो आप ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो लोग उसको ले तो आए, खाना तो शुरू कर दिया, और कुछ लोगों को उनने ये बिल्कुल नहीं बताया कि ये गोलियां जो है वो सिंपल है, चीनी की गोलियां हैं। उसके कुछ दिनों के बाद जब इफेक्ट देखा तो देखा कि जिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये चीनी की गोलियां हैं, वो उसको रियल ट्रीटमेंट समझ रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोग ठीक हो गए, और जिनको ये पहले से बता दिया गया था कि ये चीनी की गोलियां हैं, वो लोग उस बीमारी में, सेम बीमारी में वो ठीक नहीं हो पाए। तो ऐसा क्यों हुआ, जब सेम चीनी की गोलियां कुछ लोगों पे, जिनको नहीं पता था कि ये चीनी की गोलियां हैं और ये इनका रियल ट्रीटमेंट नहीं है, उन पे ये गोली असर कर गई, लेकिन जो जिनको पता था कि ये चीनी की गोलियां हैं ये हम पे असर नहीं करेंगी, उन पे असर नहीं किया। इसके पीछे की क्या वजह थी, इसके पीछे की वजह थी हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें जो है हमको फीड होती हैं। एक्चुअली हमारे शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक अंग जो है वो हमारे दिमाग से कंट्रोल्ड है, ऐसा हमारी बायोलॉजिकल, जो आपने बायोलॉजी पढ़ी, हमारा जो बायोलॉजिकल साइंस है, जो बायोलॉजी है, वो यही कहता है। अब शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो हमारा सिर दर्द होता है या पैर दर्द होता है, बेसिकली इसका सिग्नल कहां से आते हैं, इसके सिग्नल हमारे दिमाग से आते हैं कि ये ऐसा है। और आपको पता है कि शरीर में एक इंडोर्फिन नाम की एक रसायन होता है जो आपकी बॉडी से उत्पन्न होता है, वो एक बेसिकली एक तरीके का नेचुरल पेन किलर होता है जो अपने आप आपके दर्द को ठीक कर देता है। तो बेसिकली जब हम चीजों पे यकीन करते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि हमारा ट्रीटमेंट सही चल रहा है और हमारा इलाज हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रॉपरली काम करने लगता है, उसी तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करता है और धीरे धीरे आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। अध्ययन में ये भी पाया प्रोफेसर्स ने कि ऐसे लोगों में जो इस मेडिकल, इस फेक ट्रीटमेंट को रियल मान बैठे थे, उसमें ये जो नेचुरल पेन किलर है वो ज्यादा बनना शुरू हो गया। ये अपने आप कैसे ज्यादा बनना शुरू हो गया, क्योंकि उसके माइंड ने ऐसा उनको कह दिया कि ये इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है। जिनने इस पे यकीन नहीं किया उनको भी सेम ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि उनने उस पे यकीन नहीं किया तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने कहा ये तो फेक है। तो उनके दिमाग में से जो ये इंफॉर्मेशन बाहर आई तो उनकी बॉडी ने वैसा रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि ये तो फेक ट्रीटमेंट है। जबकि इस पे मई 2017 में एक रिसर्च पेपर भी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो बहुत ही कारगर है, बहुत सारी बीमारियों पे अच्छा काम करता है। और हम अपने भारतवर्ष में बहुत शुरू से कहते आ रहे हैं कि अब इनको दवा की नहीं, दुआओं की जरूरत है। बेसिकली ये दुआएं क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट, कि दुआओं से कैसे, जब हम उससे डॉक्टर पे यकीन करने लगते हैं, या जो, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा ट्रीटमेंट कौन कर रहा है। अगर वो गोली डॉक्टर देते हैं चीनी की गोली बता करके, या ऐसा वो आपको दवाइयां बता के दे देते हैं, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हो, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन वही कोई आम आदमी जिसको मेडिकल साइंस के बारे में या बीमारियों के बारे में बिल्कुल ना पता हो, उसको जब आप वो अगर आपको गोली देता है, भले वो बिना ना भी बता के दे, तो आपको चूंकि उस पर यकीन नहीं होता इसलिए आप ठीक नहीं हो पाते। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि फार्मेसी इंडस्ट्री में या मेडिकल साइंस में ऐसा इन प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि बीमारी को ठीक करने के लिए आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपके दिमाग की जो विचारधारा है, आपके दिमाग की जो सोच है, उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये था प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, ये 100% काम करता है।
तो अब ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन जिसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको आप नॉर्मल भाषा में ऐसे समझें कि ये कैसे काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझें कि जैसे आप रेडियो सुनते हैं, अगर आपको 98.3 सुनना है तो आपको चैनल को ट्यून करना पड़ता है। जैसे ही आपके रेडियो का की फ्रीक्वेंसी जो है 98.3 या किसी पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन से मैच करता है तभी वो सिग्नल कैच करता है। वैसे ही अगर जब हमारे दिमाग का वाइब्रेशन, हमारे सोच का वाइब्रेशन, जब हमने जिस चीज की ख्वाहिश रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जैसे वो मैच करेगा वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। अब जो है प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उन सबकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ऐसा साइंस कहता है। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स अगर आपने पढ़ा है तो फिजिक्स की भाषा में क्या होता है, दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी घटित हो रही हैं, जो मैं बोल रहा हूं, ये सब बेसिकली एक तरीके की एनर्जी है। ये क्या है, एनर्जी है, ये जो ना कभी खत्म होगी और ना कभी ये जनरेट की जा सकती है, बस इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। तो जब हम वाइब्रेट करते हैं, हमारी हमारे सोच से जब चीजें वाइब्रेट होती हैं उसके साथ जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है तब जाके वो चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे आज आपने सोचा कि मैं कल जो है वो अंबानी बन जाऊं या मैं इतना अमीर बन जाऊं और कल आप बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अंबानी बनने वाली जो सोच है, जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है और आपने आज जो सोचना शुरू किया उसकी फ्रीक्वेंसी आज अलग है। अब ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है इस वाइब्रेशन के बीच में, तो इसलिए इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने दिमाग में यकीन करते जाएंगे, विश्वास करते जाएंगे कि मैं तो अमीर हूं, मैं बन रहा हूं अमीर हूं, तो क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते होते एक ऐसे लेवल पे आ जाएगी जब ये फ्रीक्वेंसी उस सोच से मैच करेगी और ऐसी चीजें अपने आप घटित होने लगेगी कि आप अमीर बनने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये जो यकीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जैसे हमने आपको एक साइंटिस्ट एक हिस्ट्री बताई, जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो साइकोलॉजिस्ट करते रहते हैं बीमारियों के इलाज के लिए, उसमें था कि जैसे ही हमारे दिमाग में ऐसे सिग्नल जनरेट होते हैं कि मैं ठीक हूं तो आप ठीक होने लगते हैं। लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हमारे दिमाग में निगेटिव ख्याल तुरंत आते हैं। जैसे अगर हमको हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम ऐसा होने लगा तो आपको लगता है कहीं मुझे वायरल तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो गया। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो गया और आप इलाज ट्रीटमेंट के लिए जैसे जाएं तो देखना आपका 99% केसेस में आपने जैसा सोचा था उस तरीके की बीमारी उजागर हो जाती है। ऐसा इसलिए है कि चूंकि शरीर के सारे फंक्शन जो है हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, तो आपको हमेशा दिमाग में एक पॉजिटिव ख्याल लाना है। अब ये पॉजिटिव ख्याल और निगेटिव ख्याल में एक थिन लाइन डिफरेंस है। जैसे आधे ग्लास पानी को देख करके अगर किसी ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा है तो हमारे दिमाग में एक ख्याल ये आता है कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है और दूसरा ख्याल ये आता है कि आधा ग्लास खाली है। अब इन दोनों सोचों में जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो सकारात्मक सोच ये है कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, और जो ये सोचते हैं कि आधा ग्लास खाली है वो नकारात्मक सोच है। तो जैसे ही आपने आधा ग्लास खाली है ये सोचते हैं तो नकारात्मक विचार जो आपके दिमाग में आते हैं वो निगेटिविटी आती है, और निगेटिविटी जो है आपके फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करती है, कम करती चली जाती है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपका कम करने लगता है और आप उतने हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आपकी बॉडी से, आपके सोच से जनरेट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप बीमार हैं, मान लिया आपको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है, तो आपको ऐसा महसूस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मैं तो ठीक हूं और मेरी किडनी धीरे धीरे ठीक हो रही है और किडनी मेरी ठीक है। जहां ऐसे आपने सोचा कि कहीं मुझे किडनी की वजह से कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरा किडनी फेल तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी किडनी मुझको डायलिसिस की नौबत तो नहीं आ जाएगी, जैसे ही आपने ऐसा सोचना शुरू किया तो इतनी शक्ति होती है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि वो आपके दिमाग में वो चीजें ऐसे ही आने लगेंगी और डेफिनेटली आपको ऐसी नौबत आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे रिसर्च, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि लोग सिर्फ अपनी सोच की शक्ति से बड़ी बड़ी बीमारियों पे को से ठीक हो गए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अगर आपने नाम सुना हो अरुणिमा सिन्हा का, अरुणिमा सिन्हा जिनको आज से 4-5 साल पहले जो है वो कहीं ट्रेन से सफर कर रही थी
और उनको ट्रेन से उठा के नीचे फेंक दिया गया। कुछ लोगों ने उनके गले से चेन खींचने के लिए उसमें हाथापाई हुई, उसको ट्रेन से नीचे गिरी और उनके एक पैर पे गाड़ी का ट्रेन का पहिया चला गया, एक पैर कट गया, दूसरे पैर में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। रात भर वो उस पटरी के बाहर जो है वो कराहती रही, तड़पती रही। सुबह में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला और वो एक डेढ़ साल करीब हॉस्पिटल में रहने के बाद एक पैर जो में मल्टीपल फ्रैक्चर थे वो धीरे धीरे हील होने लगे, ठीक होने लगे, और दूसरे में उन्होंने एक आर्टिफिशियल पैर लगा दिया। उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें अनिमा सिन्हा ने डिसाइड किया कि वो माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है उस पर चढ़ेंगे। अब मेडिकल साइंस की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में ये तो असंभव था कि जिसके एक पैर आर्टिफिशियल हो और दूसरे पैर जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो, तो कैसे पॉसिबल है कि ऐसा कोई मरीज जो है इतनी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाएगा। जो नॉर्मल इंसानों के लिए जो काफी हेल्दी हैं, अच्छे बलिष्ठ हैं, उनके पैरों में अच्छी ताकत है, उनके लिए भी एक टफ काम है। तो ऐसे इंसान के लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना कितना कठिन था, लेकिन उनने सोच लिया, उनने अपने दिमाग को ऐसा फीड कर लिया कि हम इसको कर सकते हैं, और उनने इसको इतना ज्यादा यकीन में बदल लिया अपने आप को कि नहीं, ऐसा मैं कर सकती हूं। और उनकी फ्रीक्वेंसी जैसे इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फ्रीक्वेंसी से मैच हुई, तो आपको पता है कि अनिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को चढ़ लिया और आज दुनिया के बहुत सारे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उस पर वो चोटी पे चढ़ चुकी हैं। मतलब उनने एक तरीके का चमत्कार कर दिया, एक मिरेकल कर दिया। ये कैसे संभव? इट वॉज पॉसिबल ओनली ड्यू टू दी कैपेसिटी ऑफ ब्रेन। अगर हम इनके पूरी हिस्ट्री को देखते हैं, उनके मेडिकल केसेस को देखते हैं, तो डॉक्टर्स के हिसाब से ये चीजें बिल्कुल असंभव थी, लेकिन सोच की शक्ति की वजह से उनने इस काम को संभव कर दिखाया। तो दोस्तों, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, जिसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन के कुछ और केसेज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन में अपनी शरीर की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर से हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को एमिट कर सकते हैं, कैसे बाहर कर सकते हैं। लेकिन उन सबके लिए जो सबसे की पॉइंट है, की सक्सेस है, वो ये है कि हमारे दिमाग में हमेशा हमें पॉजिटिव ख्यालों को ही रखना पड़ेगा। आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे, ऐसी चीजें सोचनी पड़ेंगी जो अच्छी है। जैसे ही हमारे दिमाग में निगेटिविटी आने लगती है या कोई नकारात्मक विचार आने लगते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को सप्रेस करते हैं, हमारे शरीर से जो वाइब्रेशन जनरेट होता है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसको सप्रेस करते हैं। और कभी जो आपने सोचा है और वो चीजें आप नहीं पाएंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस केस में बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसीलिए जितने भी साधु संत या बड़े लोग हुए, उनने ये कहा है कि दिस इज पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कि पॉजिटिव थिंकिंग के क्या पावर्स होते हैं। तो ये था आज के टॉपिक जो हमने आपको बताया, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा हिस्सा अब हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।